और विविध संस्कृति पर हम
हमें घर पे हम इनके सूचक के अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। अच्छी विचारों से हो तो पूरा दिन अच्छा निकलता है। तो आज के सुविचार के लिए मैं उन्मित कुमार साहू को आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात। आज का सुविचार, यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको इसे एक लक्ष्य से बांधना चाहिए, ना एक वस्तु और या लोगों से। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको इसे एक लक्ष्य से बांधना चाहिए, ना को वस्तु और या लोगों से। धन्यवाद उम्मीद। समाचार हमें देश विदेशों की घटनाओं से रूबरू करवाता है। तो आज के समाचार पढ़ने के लिए मैं कक्षा सातवीं की विद्यार्थी प्रज्ञा प्रदर्शनी नायक को आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात। आज का समाचार, कहा भारतीय कप सिरप से बच्ची को शोक नहीं सृष्टि। गुजरात विधानसभा चुनाव के शोर का आज इलाज करेगा। कोजरीवाला बोले कंधे सरकार बस को से करवाती है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रज्ञा। आज के साधारण ज्ञान की प्रश्नोत्तरी के लिए मैं कक्षा सातवीं की विद्यार्थी निवेदिता विश्वाल को आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात। आज का साधारण ज्ञान, भारत के किस राज्य में अजंता की गुफाएं हैं? भारत के किस राज्य में अजंता की गुफाएं हैं? ये प्रश्न सुबर्णरेखा हाउस को जाती है। इसका उत्तर है महाराष्ट्र। किस देश को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है? किस देश को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है? यह प्रश्न महानदी हाउस को जाती है। इसका उत्तर है ब्रिटेन। मधुमक्खी के डंक में कैसा अम्ल उपस्थित है? मधुमक्खी के डंक में कैसा अम्ल उपस्थित है? यह प्रश्न वंशधारा हाउस को जाती है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित है? इसका उत्तर है फार्मिक एसिड। नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? यह प्रश्न महानदी हाउस को जाती है। यह प्रश्न ब्राह्मणी हाउस को पास होती है। इसका उत्तर है सोडियम क्लोराइड। किसकी उपस्थिति के कारण पेड़ के पत्तियों का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पेड़ का पत्तियों का रंग हरा होता है? इसका उत्तर है क्लोरोफिल। आठवीं की विद्यार्थी पीपली रानी विश्वाल को आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात। आज का कविता, उसके नाम पुस्तक। मेरी पुस्तक रंग बिरंगी, कहे कहा नहीं ये सद रंगी। कहती बातें नई पुराने, जैसे बोले दादी नानी। कोई लोग की शेर कहानी, कभी कभी वो हमें लड़ाती, कभी हंसाती कभी रुलाती, दुनिया की हर बात बताती। धन्यवाद।
देशभक्ति की भावना हर भारतीय के मन में भर देता है। तो आज सबसे अनुरोध है कि राष्ट्रगान एक साथ सुन लो। अब आप अपने अपने कक्षा की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद।